بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل قسم في تاريخ سجتی اور زیب بھی اس اللہ وحدہ لا شریک کو دیتی ہے جو عرش معلا پہ مستوی ہو کر میری اور آپ کی شکلیں ماؤں کے پیٹ میں رات کی تاریکیوں میں تین تین اندھیروں میں پانی کے ایک ذلیل قطرے کے اوپر جیسے چاہتا ہے بنانا. اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سچی تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے حقیقی مدح و توصیف اور حمد و تعظیم کے کلمات پڑھتے ہیں. جو اللہ اس قدر عظیم شان والا ہے کہ اس نے جب چاہا، جیسے چاہا، جہاں چاہا، جس ماں کے رحم میں چاہا، جس خاندان میں چاہا، مجھے اور آپ کو جس شکل و صورت میں، جس رنگ ڈھنگ میں چاہا، عرشوں پہ مستوی ہو کے ایسے بنایا کہ عربوں کی انسانی آبادی میں سے اس اللہ کی ڈیزائننگ کو دیکھیے اور اس کی تعریف تو کیجیے کہ کسی انسان کے تھمب امپریشن کی لکیریں دوسرے انسان سے کبھی بھی ملنے نہیں پاتی. اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تعریف ہے جو شہد کی مکھی کی غلاظت کے اندر بھی شفائیں بھرنا جانتا ہے. اور اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تعریف ہے جو انتہائی حلیث قسم کے گوبر، سرخ رنگ کے خون اور کالی بجھن بھینس کے اندر سے اپنے فضل و کرم اور اپنی مہربانیوں سے سفید خوبصورت دودھ کی نہریں جاری کرواتا ہے. تتلی کے پروں پہ پھول تو وہی کاٹتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نشانی ہے. لا تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اکثر و متحر پر، جن کے بارے میں میرا ایمان ہے، میری ماں میرے لیے دعائیں مانگتی ہے،
और आपकी माएं आपके लिए दुआएं मांगती। हमारे बाप और माँ बाप सारे ही हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि मेरी माँ भी शायद और मेरा बाप भी शायद उस दर्द और उस सोच के साथ दुआ नहीं कर सकता होगा जिस सोच के साथ मेरा नबी मेरे लिए दुआ किया करता है। कभी अरफात के मैदान में जवाल से लेके गुरुब आफ्ताब तक जहां अपने लिए मांगते हैं वहां हमें भी ऐसा याद करते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, और जब मेरी माँ मुझे पहचानने से इनकारी हो जाए और वो मेरे बेटे जिनके लिए मैं खून पसीने की कमाई एक करके कुरान से भी बेवफाई करने पे तुल जाता हूँ, वो मुझसे राहे फरार इख्तियार करेंगे, और जब मेरी बेगम मुझे पहचानने से मुनकिर हो जाएगी और हर कोई मुझसे दूर भाग रहा होगा पूरे मैदाने मशर के अंदर एक वो हमारा नबी होगा जो कहेगा ऐ मेरा मेरी उम्मत का प्यारा। इसलिए मुझे बेशुमार और लातादाद उनको सलाम ना उन्होंने तो अपनी एड़ियों को लहू लुहान करवा कर भी कुरान का पैगाम आगे पहुंचाया। उन्होंने तो मक्का के उस दौर में जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी गिरा था और सिर्फ एक इस कलमे से मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते थे, उस वक्त भी शायद आपने इस वाक्य के अंदर गौर न किया हो कि कुरान की तालीम इस अंदाज से घर घर के अंदर पहुंचा दी कि कहीं खावन अपनी बीवी को पढ़ा रहा है और कहीं बीवी अपने खावन को तालीम दे। आज सारे ही लोग इंकलाब की बातें करते हैं और इंकलाब के कदमों की चाप सुनते हैं, उनको दूर से आहटें सुनाई देती हैं और हम सब की आंखें मुंतजर हैं कि कहां से इंकलाब आएगा। अपने नबी से तो पूछो कि इंकलाब कहां से आता है इंकलाब कि जिनके आने से पहले यज़दगर दौड़ जैसा जालिम सुपर पावर का बादशाह अपनी बेटी को और बहराम शौबी जैसा इंसान अपनी सगी बहन को अपने निकाह के अंदर रखता है और जिनके आने के बाद ऐसा इंकलाब आता है कि माँ माँ समझी जाती है, बेटी बेटी समझी जाती है और बहन बहन समझी जाती है। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि अगर अंबिया की मेहनतें इंसानी तारीख से निकाल ली जाए तो जिन फलसियों की आप बात करते हैं ये तो सारी जिंदगी सर जोड़ के बैठे रहे हैं, तो रिश्ते भी इंसानों के तय नहीं कर सकेंगे, ये तो मुझे ये भी नहीं बता सकेंगे कि मैं माँ किसको कहूं, मैं बहन किसको कहूं, मैं बेटी किसको कहूं, और रिश्तों का तकद्दस क्या होता है। क्या आज मगरबी तहजीब में तालीम की कमी, लेकिन क्या ये बात ऑन द रिकॉर्ड नहीं कि उस नंगी और गंदी तहजीब के अंदर एक बेटी और एक बहन को बुराई का सबसे पहला तजुर्बा अपने ही किसी फैमिली मेंबर से होता है। हजरत एक बात मैं तमहीद के तौर पे अर्ज करना चाहूंगा मेरे मोहतरम भाई और मोहतरम शेख आफिफ अब्दुल वहीद साहब का दर्स आपने सुना, मुझे तो अभी इनकी अनाउंसमेंट से पता चला कुरान से वफा। हम क्या वफा कर सकते हैं, हम कितनी वफा करेंगे, 40 साल, 50, 60, 70 साल, 80 साल, हमारी तो जिंदगी ही महदूद है, इंतहाई महदूद जिंदगी। गुज़श्ता 2 माह का वाकया है, मेरे एक जानने वाले दोस्त इस्लामाबाद में दर्स देने के लिए हमारे जिला वखाड़ा से रवाना होते हैं, लाहौर न्याजी अड्डे से इस्लामाबाद की टिकट खरीद के हाथ में पकड़ के अड्डे के ऊपर खड़े हुए हैं कि वहीं उनकी जिंदगी उनसे बेवफाई कर जाए।
के ऊपर खड़े हुए। जब उनकी डेड बॉडी घर में पहुंचती है, मोबाइल उनके अजीज के हाथ में होता है और कॉल आती है कि उन्होंने दर्श देने के लिए आना था, अभी पहुंचे क्यों नहीं। जवाब दिया जाता है कि वो अल्लाह के पास पहुंच गए। मेरे भाइयों, कभी भी ये ना समझना, कभी भी मैं ये ना समझूं, कभी भी मेरे मोहतरम भाई आपकी अब्दुल वही साहेब हत्ता के ये ना समझें, और कभी भी आप ना समझें कि कुरान हमारा मोहताज है। हमारी तो जिंदगी ही वफा करना नहीं जानती है, हम तो चीज ही फानी है, और कुरान वाहिद दुनिया के अंदर वो चीज है कि ये लाफानी है, क्योंकि ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह का कलाम है। हम वफा थोड़ी सी भी करेंगे तो कुरान तो इतना वफा करने वाला दोस्त है कि जब सारे ही भूल जाएंगे, कुरान ही तो कहेगा अल्लाह अल्लाह ये मुझे पढ़ने वाला इंसान था, या रब्बे हल्ली, या रब्बे हल्ली, अल्लाह इसको प्रोटोकॉल दीजिए ना, ये पहले कुरान क्लासें अटेंड करता था, ये अंधेरों से रोशनी की तरफ आता था, न इसे सर्टिफिकेट चाहिए था, ना डिप्लोमा चाहिए था, ना जॉब की कोई कशिश थी, ना रुपए पैसे की खड़क थी, और ना सोने चांदी की चमक दमक थी। अल्लाह सिर्फ तेरे कलाम से मोहब्बत करता था, कुरान के लिए आया था, कुरान कहेगा या रब्बे हल्ली, अल्लाह इसको कोई गाउन पहनाइए, इसको डिग्री दी जाए, हम तो डिग्रियां देना नहीं जानते, ना आप डिग्रियों के लिए आते हैं, ये तो एक अलामती निशान होता है। असल डिग्री तो उस वक्त मिलनी है जब कुरान खुद कहेगा, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, या रब्बे हल्ली, ए अल्लाह इसे गाउन पहनाइए। मैं इसका तर्जुमा किया गया तंग गाउन, खुल्ला गाउन, एक पूरा लिबास होता है अरबी जो ऊपर पहना जाता है। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री लेती है तो डिग्री होल्डर्स को उनकी डिग्री के लेवल के मुताबिक, एमफिल पीएचडी का जो लेवल है उसके मुताबिक मखसूस किस्म का गाउन पहनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में कुरान इतनी वफा करने वाला है कि ये खुद अल्लाह से कहेगा, अल्लाह आज इंसाफ मिलने का दिन है, आज रिवॉर्ड मिलने का दिन है। दुनिया में तो कोई हलचल नहीं मची थी कि फहमे कुरान क्लास हो रही है, आज सारी दुनिया इकट्ठी है और अल्लाह कुरान के इस तालिबे इल्म को दुनिया के सामने कोई गम पहना है। फयुलबसु कुल्लतल करामा, फयुलबसु कुल्लतल करामा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फयुलबसु कुल्लतल करामा, मैं इसका तर्जुमा किया करता हूँ, करामत का लिबास, इज्जत का लिबास, प्रोटोकॉल का लिबास जो अल्लाह ने तैयार किया होगा, सारी दुनिया के सामने कुरान के तालिबे इल्म को पहना दिया। लेकिन कुरान तो और डिमांड करेगा, या रब्बी ज़िदनी, या रब्बी ज़िदनी, अल्लाह नहीं, कोई और प्रोटोकॉल, कोई और ऑनर, कोई और एजाज। فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, ये जन्नती शहजादे हैं इंशाअल्लाह। आप वफा करना क्या जानते हैं, आपकी तो जिंदगी ही बेवफा है। कुरान आपसे वफा करेगा, कुरान आपसे वफा करेगा, आप थोड़ी सी वफा करके दिखाएं तो सही, फिर देखना कुरान कैसे वफा करता है। कहेगा अल्लाह से और बादशाहों के सर पे जैसे ताज होता है, कुरान के तालिबे इल्म और उस पे अमल करने वाले और उसको समझने वाले इंसान को अल्लाह आमल का और इज्जत का और प्रोटोकॉल का ताज उसके सर पे देगा। कुरान वफाई करता है। जब हम मर जाते हैं ना, तभी लाश घर में पड़ी होती है और फोन हो जाते हैं कि बैंक बैलेंस कितना है,
तो उसको जल्दी से संभाल लिया जाए, जेबें टटोल ली जाए, ऊपर की जेब भी देख ली जाए, वॉलेट को खोल के देख लिया जाए, जल्दी जल्दी ये सारे काम होते। हमारी जिंदगी तो इस कदर बेवफाई की जिंदगी है, और कब्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, और फिर जो सारी जिंदगी मोहब्बतें करने का दावा करते थे पूछते हैं कि कब दफनाना है, जल्दी जल्दी इसमें मिट्टी डालें, कब दफनाना है, यही सवाल होता है। उस वक्त भी कब्र के अंदर भी हशर के अंदर भी कुरान इंसान का साथ देते हुए कहता है, अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करता हूं कि इस बंदे को कुरान पढ़ा करो, ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश बन गया है। आज की इस मजलिस में मैं सिर्फ एक मौजू पे बात करना चाहता हूं, उस मौजू की रोशनी में हमारे बहुत सारे उपले खुल जाएंगे और बहुत सारी चीजों को समझने में हमें मदद हासिल हो जाएगी कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। देखिए, अगर एक इंसान गाजर मूली का रेट करे, एक दो तीन चार पांच मरले का रेट करे, तो बहुत ही फिक्रमंद और कॉन्शियस हो कि कहीं मुझे धोखा ना लग जाए और इसका रेट में ज्यादा ना लगा दूं और कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, हम कहते हैं ये बड़ा समझदार इंसान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो इंसान जो पांच मरले के प्लॉट पे तो धोखा नहीं खाता और चंद गज कपड़ा खरीदते हुए तो धोखा नहीं खाता और चंद टकों का मामला करते हुए तो धोखा नहीं खाता, लेकिन अपनी सारी जिंदगी ही धोखे के अंदर गुजार देता है, क्या उससे बड़ा बेवकूफ इंसान में किसी ने भी देखा? जिंदगी का मकसद समझना, गहराई और बसीरत के साथ समझना, रोशनी है ना दिमाग, रोशनी कर देता है, अंधेरा हो तो नजर नहीं आता, ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है, इंसान की पहचान नहीं होती अंधेरे में। अंधेरे में तो इंसान को ज्यादा बिटाडोर अंधेरा हो तो खुद अपने हाथ की पहचान नहीं होती। कुरान यकीनन अंधेरों से रोशनी की तरफ जाता है, कुरान की रोशनी ना हो तो इंसान को अपनी पहचान नहीं होती, वो समझ नहीं पाता कि जिंदगी की कीमत क्या है। सितारों पे कमंदे तो डाल लेता, कायनात के परत तो खोल लेता, सूरज की शाम को तो गिरफ्तार कर लेता, लेकिन अपनी जिंदगी की किताब नहीं पढ़ता, क्योंकि वो अंधेरे में होता है, अंधेरे में होता है। कुरान हमें रोशनी दिखाएगा और कुरान ही की रोशनी में हम तय करेंगे कि ये जो हमारे ऊपर अंधेरा सा छाया हुआ है, एक दौड़ है जिसके पीछे सारी ही दुनिया हल्का होने फिरती है, बिल्कुल एक बावले बावले किस्म के जानवर की तरह, जिसे बस एक लत और आदत से बड़ी हुई है, या एक गधे की तरह जो बोझ तले दबा हुआ है और सारा दिन मेहनत करता है और रात को सो जाता है। हम तो माफ कीजिएगा, इस कदर ज्यादा इस नशे के अंदर धुत हो चुके हैं कि आज अगर आखिरत की बात की जाए तो मीडिया वाले बेचारे उसको भी कह देते हैं कि ये तो मौलवियों की पुरानी पुरानी सी बातें हैं, पुरानी सी बातें हैं, इस इश्यू को इश्यू समझा ही नहीं गया है, जो जिंदगी का सबसे बड़ा इश्यू है उसको ये इनकी करम फरमाई है। चाहे तो क्रिकेट को इतना बड़ा इश्यू बना दें कि हमारी गोया के पूरी कौम की जिंदगी और पूरी कौम का फ्यूचर बस इसी एक से वाबस्ता है, ये जीत गया तो हम गोया के अपनी जिंदगी जीत गए और यहां हार गए तो जिंदगी हार गए, ये इनकी करम फरमाइयां हैं। अगर ये इश्यू बनाने पे आए तो एक एक्ट्रेस और एक्ट्रेस की शादी को इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं कि सारी कौम पे
वही एक ईशु सवार हो जाता है। और अगर कदर घटाने पे आए तो जिंदगी का जो सबसे बड़ा इशू है उसे एक आरसी बात करके टाल देते हैं। लेकिन ये टलने वाला तो नहीं है, ठीक है। अब इससे मौलवियों की बात समझ लें कि आपकी मर्जी है, आंखें बंद होगी तो फौरन पता चल जाएगा कि इशू तो सबसे बड़ा यही था। जब मनोमट्टी ऊपर पड़ जाएगी तो फौरी पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा इशू तो मेरी जिंदगी का था ही यही जिससे मैं गाफिल रहा। तो जिंदगी के मकसद को समझना एक इंतहाई अहम इशू है हमारी जिंदगी का। और सबसे बड़ी समझदारी यही है कि इंसान अपनी जिंदगी के मकसद को समझे। अमूमन कुरान मजीद की इस आयत मुबारक की रोशनी में وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ मैंने जिन्नों इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अंदाज कैसा खूबसूरत है। मैं उन्हीं को मैं उन्हें मिलते से मैं इनसे कोई रोटी तो नहीं चाहता। वो मैं उन्हीं को अहियु तैनून मैं ये तो नहीं चाहता कि मुझे खिलाएं और पिलाएं। वालिदैन भी परवरिश करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है माँ की ममता ठीक है बड़ी कुर्बानियां देती है लेकिन दिल के किसी कोने के अंदर एक ख्वाहिश दबी होती है कि बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा, बड़ा होके घर को चलाएगा संभालेगा। अल्लाह कहते हैं मैंने पानी के जलील कतरे से तुझे गबरू जवान बनाया है। तेरी माँ की ममता के अंदर जो लालच होती है दूर दूर की भी वो न सोचना। माँ उरी माँ जब नखरा पर दाखिल हो जाए तो उस बात के अंदर दुनिया का और अरबी लोगों का सबसे बड़ा उमून पैदा हो जाए। माँ उरी माँ और मिन और रिस्किन पर तमीन माँ उरी रिस्किन किसी किस्म की जर्रा बराबर रोटी की भी है इंसान तुम्हारी तरफ से मैं कोई ख्वाहिश नहीं करता। वह मैं उन्हीं ना मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे नवाले खिलाओ, तुम मुझे खिलाओ। इन्नल्लाह रज्जाक ज़ुल कुव्वतिल मतीन ना मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। इन्नल्लाह रज्जाक मैंने पैदा किया है और मैं तो खुद रज्जाक हूं। राज़िक भी अल्लाह की सिफत है लेकिन यहां पे कहा अर्रज्जाक ज़ुल कुव्वत अल मतीन रज्जाक भी मैं और ताकत वाला भी मैं और सबसे ज्यादा तवाना और सबसे ज्यादा मजबूती वाला भी मैं हूं। तो ऐ इंसानों मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इबादत के लिए पैदा करता हूं। लेकिन यहां पे एक सवाल एक इश्काल है और उसका जवाब उसको मैं तफसील से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या अल्लाह ने मुझे इसलिए इबादत के वास्ते पैदा किया कि मेरी तकलीफ अगर ना होती तो अल्लाह की इबादत में क्या कुछ कमी रह जाती? अगर अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ ना लाते तो क्या उनके आने से पहले अल्लाह की इबादत ना हो रही थी? अगर इंसानों के जद्दे अमजद अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ही ना किया जाता है तो क्या हजरत आदम की तखलीक से अल्लाह की इबादत उनकी तखलीक से पहले नहीं हो रही? इन सवाल का आप जरा गौर कीजिए क्योंकि ये हमारे अगले सवाल का जवाब है कि हमारी जिंदगी का मकसद किस किस्म की इबादत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ से पहले यहां पर फरिश्तों की एक कसीर तादाद मौजूद थी और वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। ना सिर्फ वे के इबादत कर रहे थे
बल्कि किस अंदाज में इबादत कर रहे थे, कुरान ये रोशनी भी दिखाता है। يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ, रात और दिन 24 घंटों में से कोई सेकंड और सेकंड का हजारवां हिस्सा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत न करते। हमारी तकलीफ से पहले भी, तकलीफ के बाद भी, क्यामत तक के इबादत तो वो कर रहे हैं, बल्कि इस हद तक फरिश्तों के बारे में आता है। मैं बात बातें बड़ी क्लियर सी करता हूं, इसलिए कि लोग ना मालूम क्या वजह है, प्रोपेगंडा ही ऐसा है कि आलिम की बात से अच्छी बड़ी बात भी निकले तो उसको कदामत से जोड़ देते हैं, और एक जिसके नाम के साथ जदीद डिग्री लिखी हुई है वो जाहिल भी हो और इंतहा पुरले दर्जे की हमाकत की बात भी कर रहा हो तो सिर्फ इसलिए तो एक चैनल पे आया रहता है उसको बड़ी वैल्यू दे देते हैं। मैं बड़े ईमान से कहता हूं, ईमान से, जिस तरह आपको यकीन है कि सूरज निकला हुआ है, अल्लाह के फजल से मुझे इससे भी ज्यादा यकीन है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक फरिश्ता ऐसा है, इन्नल्लाह तआला अज़िनली أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة عرش الرحمن عنقه منسن تحت العرش ورجلاه تحت الأرض السفلى, صحاح الألباني في الصحيح. نبي عليه الصلاة والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں تمہیں ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں, उसकी गर्दन अर्शे मौला के नीचे मुड़ी हुई है और उसकी टांगे सातवीं जमीन से भी नीचे पहुंची हुई। इतना बड़ा फरिश्ता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा कुर्सी, और उसके बाद अल्लाह का अर्श, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जमीन, दरमियान के सारे खला, मुनसनिन तहत अल-अर्श, उसकी गर्दन अर्श के नीचे मुड़ी और उसकी टांगे सातवीं जमीन से नीचे, मा बैन शहनति उज़नैहि इला आतिकैहि मसीरत सब्अ मिअति आमिन क़तान अत-तैर, उसके कानों की लू और कॉम्पर से लेकर कंधे और शाने तक का फासला इतना है कि एक परिंदा 700 साल तक चलता रहे तो 700 साल के बाद वो उस फरिश्ते के कान से लेके कंधे तक का सफर तय है। वो फरिश्ता भी कहता है सुभान मा आज़म शान सुभान हैसु मा कुंता, ए अल्लाह तू पाक, तेरी शान कितनी अजीम है, अल्लाह मैं तेरा दीदार तो नहीं कर सकता, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, अल्लाह मैं तेरा दीदार तो नहीं कर सकता लेकिन मैं तेरी कुदरतों और तेरी शानों को देख के ये जरूर कहता हूँ, सुभानक हैसु मा कुंता, तो अर्शों से ऊपर जहां भी है ए अल्लाह तू बड़ा फरिश्ता ये कह रहा है, इतनी दफा कहता है, कब से कब तक कहता है, वक्फा कितना होता है, वक्फा तो होता ही नहीं और मौत उस पे ताज नहीं, जब से पैदा हुआ है उस वक्त से लेकर ताइसने सानी क्यामत के क्या कायम होने तक और सारी चीजों के फना होने तक उस वक्त तक एक एक पल और एक एक लम्हे में फरिश्ता यही कह रहा है कि अल्लाह तू पाक है, तेरी शान इतनी अजीम। क्या वो अल्लाह के इस बात का मुमताज था कि नमाज के बाद हम 33 दफा सुभान अल्लाह कह रहे हैं, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, 34 दफा अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, क्योंकि फरिश्ते ये नहीं कह रहे थे? इबादत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हो रही थी, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी के हदीस में भी इरशाद फरमाया,
ما من موضع أربع أسبوع إلا وفيه ملك سادر لله عز وجل أقطت السماء وتقع لها أن تقطع آسمان سے صرف چرانے کی آواز آ رہی ہے صرف چرانے کی جیسے چارپائی پہ یا کرسی پہ زیادہ وزن ڈال دیا جائے تو اس سے چیر چیر کی آواز آتی ہے آسمانوں میں صرف چرانے کی آواز آ رہی ہے وحق لها ان تقطع اور وہ کیوں نہ چیر چرائے ما من موضع اربع اسبع الا وفيه بلد صادر لله عز وجل چار انگلیوں کی بھی ساتوں آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا. جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے لے کر تاریخ میں سانی مسلسل سجدے کے اندر ہے. پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت العزت میں يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں البیت المعمور جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس کا معنی یہ ہے البیت المعمور المعمور آباد فرشتوں سے آباد عبادت سے تسبیحات سے اللہ رب العزت کے سامنے طواف اور رکوع سجود کی کیفیات سے والبیت المعمور جو آسمانوں کے اندر فرشتوں کا البیت المعمور ہے ایک دن میں 70,000 فرشتہ اس بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور جو ایک دفعہ کر لے ساری زندگی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. عبادت تو میرے بھائی ہو رہی تھی ہماری تخلیق سے پہلے ہی ہو رہی تھی اور فرشتوں نے اسی لیے تو کہا تھا اے اللہ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. اے اللہ ہم عبادت کر رہے ہیں نہ کبھی خون بہایا نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کبھی فساد برپا کیا. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اے اللہ تو اس انسان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین کو فساد سے بھرے گا جو کشتوں کے کشتے لگائے گا اور جو زمین پہ جائے گا تو لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئیں گی. یس بھی کچھ دماغ خون بہا دے ایسی خوبصورت تعبیر ہے یس بھی کچھ دماغ خون بہا دے فساد فساد برپا کر دے گا ہر قسم کی قباحت اس کے اندر پائی جائے گی. اے اللہ تو ایسے انسان کی تخلیق فرما رہا ہے ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس دونوں ہی کیفیات کے ساتھ مسلسل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ نے کہا جو یہ کرے گا اور جس کے لیے میں نے اسے پیدا کیا ہے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں تک ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رب العزت کی عبادت انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے کر رہے تھے کثرت سے کر رہے تھے اور انسان کی تخلیق کے بعد بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے کرتے رہیں گے. بلکہ اب میں آپ کو دوسرے حوالے نہیں دیتا وگرنہ قرآن و حدیث کے ایسے حوالے مکثرت ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف فرشتے ہی نہیں کائنات کی ہر چیز ریت کے ذروں سے لے کر بڑے میں ہی وسیع و عریض آسمانوں کی فضاؤں اور ہواؤں سے ہوتے ہوئے ساتھ میں آسمان اور عرش مولا تک ہر چیز جو بر میں ہے یا بحر میں ہے فضا میں ہے یا ہوا میں ہے یہاں ہے یا عالم ملکوت و جبروت میں ہے ہر چیز بھی ہر زبان میں ہر وقت بھی جیسے جیسے اسے اللہ کا حکم ہے اللہ رب العزت کی عبادت کر.
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ بھی عموم کا ایک صیغہ ہے, اِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو پہچانتے ہیں. سورج بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, شام بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, بلکہ میں دوبارہ اسی بات کو آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ حدیث کے بارے میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کریں اور کسی سائنٹسٹ سے نہ پوچھا کریں کہ حدیث سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی. ان اشاروں کی عقل تو مسلسل ترقی کے اندر ہے. ہر نئی ایجاد اس بات کا نوحہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. ہر نئی تحقیق اس بات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس بات کو نہیں جانتے تھے. اور قرآن مجید فائنل روشنی دکھاتا ہے. فائنل ممکن ہے ابھی سارے انسان ملک اس سٹیج پہ نہ پہنچے ہوئے. صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج روزانہ ہی جب ڈوبتا ہے تو یہ ڈوبتا تو نہیں ہے جسے تم غروب کہتے ہو, جسے تم اس کا ڈوبنا کہتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام اور قرآن کی روشنی یہ کہتی ہے کہ تم اندھیرے میں ہو, دیکھا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں کہ حضرت سورج کیا کرنے جاتے ہو, اتنے لمبے فاصلے کیوں طے کرتے ہو. قرآن اور حدیث کے روشنی دکھاتے ہیں کہ سورج مشرق سے لے کے مغرب کا فاصلہ صرف اس لیے طے کرتا ہے کہ مغرب میں جا کے یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. یہ تو سجدہ کرنے جاتا ہے میرے بھائیو, عرش بہت بڑی چیز ہے, کہیں آپ طرح طرح کے وہم کا شکار نہ ہو جائیں. عرش کو کیا, عرش سے کرسی بہت چھوٹی ہے اور اللہ کی کرسی ہی اتنی بڑی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ما السماوات السبع والارض ما السبع عند الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات. ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے صحرا کے اندر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مندری جیسی حیثیت رہتی ہے. چھوٹا سا سرکل, چھوٹا سا دانہ جو صحرا کے اندر پڑا ہوا ہو, یہ ساتوں زمین و آسمان اور ان کی وسعتیں اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی, یہ آخر جائیں گے کہاں؟ جہاں بھی ہیں اللہ کے عرش کے نیچے ہی تو ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقیقت واضح کی کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہ سارے فاصلے اسی لیے طے کرتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے, اجازت ہو تو شروع ہو جاؤں. ایک دن آئے گا جب اللہ کہیں گے کہ نہیں, آج نے مشرق میں واپس نہیں جانا, آج زمین پہ کوئی بھی ایسا انسان باقی نہیں رہا جس کے اندر انسانیت ہو, سارے ہی اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں, آج تم نے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. قرآن مجید اشارہ کرتا ہے یوم تطلع الشمس من مغربها, جس دن یہ مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت انسانوں کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ توبہ کرنا تو چاہیں گے لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند کیا جاتا ہے. تو سورج بھی اللہ کو سجدہ کرنے جاتا ہے. درختوں کا جھکاؤ اور ان کی جھکی ہوئی ٹہنیاں یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. پہاڑوں کی آبشاریں اور ان سے گرتا ہوا پانی, میں تو سورہ بقرہ کی روشنی میں کہتا ہوں. بات واقعتا یہ ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے محترم بھائی آپ کے دل میں صاحب کو, انہوں نے سلوگن بڑا اچھا رکھا, قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اندھیرے ہی تو ہیں, نہ ہمیں آسمان کی سمجھ آئے گی کہ کیا کہتا ہے, نہ زمین کی سمجھ آئے گی کہ کیا سوچتی ہے, نہ پہاڑوں سے نکلنے والے چشمے ہمیں بتائیں گے کہ یہ پہاڑوں سے کیوں نکل رہے ہیں. ہم تو سب کچھ ظاہر دیکھتے ہیں جیسے ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں.
قرآن کی سرچ لائٹ پڑے گی, روشنی ہوگی, تو پھر سورج بتائے گا کہ میں ڈوبنے نہیں جاتا, میں سجدہ کرنے جاتا ہوں. پھر ٹہنیاں کہیں گی کہ ہم جھکتی نہیں ہیں, ہم تو سجدہ کرتی ہیں. اور پھر جانوروں کے جھکے ہوئے چہرے بھی کہیں گے کہ ہم ساری زندگی اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں. پہاڑ کہیں گے, قرآن کی سرچ لائٹ جب پڑے گی اور قرآن کی روشنی میں پہاڑ کہیں گے کہ ہمارے اندر سے جو چشمے پھوٹتے ہیں یہ چشمے نہیں ہوتے, یہ ہماری آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں جو ہم انسانوں کی حالت کو دیکھ کے اور اللہ کے خوف سے رویا کرتے ہیں. قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے اور میری خواہش ہے کہ ہم اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر سے نکلنے والے اور کودنے والے چشمے کاش ہم نے غور کیا ہو. اگر اس مائک کے اندر سے پانی نکل رہا ہو تو پورا آٹھ کروڑ اکٹھا ہو جائے گا کہ عجوبہ ہے, مائک سے پانی نکل رہا ہے, شیشے سے پانی نکل رہا ہے, لکڑی سے پانی نکل رہا ہے, آؤ سارے دیکھو کیوں نکل رہا ہے. قرآن کہتا ہے سارے دیکھو, پہاڑ تو سخت ہیں, ان کے اندر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ یہ تو پتھر ہیں, پتھر توڑنے سے نہیں ٹوٹتے اور زور لگانے سے ہلتے نہیں, ان کے اندر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ ان کے سینے کیوں بول رہے ہیں؟ ان کے وجود کیوں بالے کھا رہے؟ قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء یہودی اور انڈائریکٹلی یہودی صفت سارے انسانوں سے اللہ مخاطب ہو گئے, پھر تمہارے دل سخت ہیں, ان ساری نشانیوں کے باوجود وہی عقل کے جاؤ یہ تو پتھروں کی طرح ہیں, او اشد قسوہ بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. اللہ کو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے, پھر اللہ نے دلیل دی. یہ دل انسانی جسم کا سب سے نرم و نازک حصہ ہے, سب سے نرم و نازک حصہ ہے, اور اللہ اس دل کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. تو اللہ نے جب اس کی دلیل دی, کیا دلیل ہے؟ کہ انسانوں کے دل, یہود صفت انسانوں کے دل جو اپنی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں, جو اپنی کتاب میں غور ہی نہیں کرتے, یا غور کرتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے یا پھر اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں, ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے جو پتھروں کی قسمیں بیان کی, کچھ پتھر وہ ہیں جن کے اندر سے چشمے ٹوٹ پڑتے ہیں, کچھ پتھر وہ ہیں جن کے اندر سے پانی رشتہ رہتا ہے, پانی رشتہ رہتا ہے گویا کہ وہ ان کے آنسو ہیں, کچھ اور زیادہ پھوٹتے ہیں تو ان کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں. تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں ٹیٹو کی چوٹیاں ہوں یا افغانستان اور کشمیر کے خوبصورت پہاڑ ہوں, کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو نہ ہوا آتی ہے نہ طوفان نہ کوئی زلزلہ, اچانک پتھر کی چوٹی سے کوئی تودا ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کے ہزاروں فٹ گہرائی اور کھڈ کے اندر جا کے گر پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ نے کہا انسانوں, اب میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ پتھر میرے ڈر سے اور میری خشیت سے یا تو وہ رشتے ہیں یا
याम के अंदर से चश्मे फूटते हैं और तुम्हारी आंखों से तो मेरी खौफ से कभी एक आंसू भी नहीं निकलता। उनके अंदर से तो चश्मे फूटते हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू तक नहीं निकलता, और वो तो मेरी तशरीफ से गिर पड़ते हैं और तुम एक सज्दे के लिए भी तैयार नहीं होते हो। वमल्लाहु ग़ाफ़िलुन अम्मा तअमलून, पहाड़ों को भी अल्लाह देख रहा है और जो तुम कर दूते कर रहे हो अल्लाह उससे वाकिफ तो नहीं है, अल्लाह उससे बेखबर तो नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, पत्थर भी एक अपने अंदाज में इबादत करते हैं। आखिरी बादशाह और आखिरी बातें और रिजल्ट इस किताब का, ये इस लेक्चर का ये निकलता है कि सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत तो कर रही है, पहाड़, सूरज, चांद, पानी, दरिया, रेत की सहा, दरख्तों के पत्ते और जमीन की चूंकियां और अश्य अल्लाह को थामने वाले फरिश्ते, हर हर चीज ही अल्लाह की इबादत तो कर रही है, इसके बावजूद अल्लाह ने मुझे और आपको कह दिया, इसके बावजूद अल्लाह ने मुझे और आपको तकलीफ किया, आखिर कोई तो इनके अंदर कमी होगी जिसे अल्लाह पूरा करना चाहते थे, इनकी इबादत में कोई तो फॉल्ट होगा, कोई तो नक्स होगा, कोई तो खला होगा जिसे अल्लाह भरना चाहते थे, इनकी तस्बीहात में कोई तो सोच की वो कैफियत होगी जो मौजूद नहीं थी और अल्लाह उसे देखना चाहते थे, कोई तो दिल की ऐसी धड़कन होगी जो सूरज के अंदर पाई नहीं जाती थी और अल्लाह दिल की उस धड़कन को सुनना चाहते और देखना चाहते थे। हजरात, वो यही बात थी कि सारी की सारी जो कायनात अल्लाह की इबादत कर रही थी, लेकिन दो इनके अंदर बुनियादी नफ्स और खला मौजूद थी। एक खला ये था कि इस कायनात के अंदर उस दर्जे का शऊर नहीं था जिस दर्जे का शऊर अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा, उस दर्जे की आजाद मर्जी नहीं थी जिस दर्जे की आजाद मर्जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर। फरिश्ते इबादत तो कर रहे हैं लेकिन अपनी आजाद मर्जी से इस माना में नहीं कर रहे कि वो बुराई भी कर सकते हुए और इसके बावजूद वो बुराई को छोड़कर इबादत कर रहे हैं। एक आदमी अंधा है और वो कहता है कि मैं इतना नेक हूँ कि मैं जब बाजार में मार्केट में जाता हूँ मैं कभी किसी की इज्जत की तरफ नजर उठा के देखता ही नहीं, तो उसका क्या कमाल है, उसकी तो आंखें ही नहीं, वो तो देख ही नहीं सकता, वो तो नाबीना है। कमाल तो ये है कि मेरा कोई नौजवान भाई कहे कि मैं शहरों बाजारों की मार्केटों में चलता घूमता फिरता हूँ और मेरे अंदर अल्लाह का खौफ ऐसा है कि अल्लाह के फर्ज से मैं इनको बहने और बेटियां समझता हूँ और मैं इनकी तरफ पूरी निगाह से नहीं देखता। तो कमाल है ना, कमाल, ये है नौजवान, ये है उसका ईमान, ये है उसका इम्तिहान और ये है उसकी गैरत की कैफियत। फरिश्तों के अंदर और सारी कायनात की इबादत के अंदर एक बहुत बड़ा खला ये था कि ना ये जुल्म कर सकते थे, ना ये जाल कर सकते थे, ना ये गुनाह कर सकते थे, ना ये फिस्क व फुजूर कर सकते थे, ये इनकी खूबी नहीं थी, इनका नक्स था। और हमारे अंदर गुनाह करने की सलाहियत ये हमारा नक्स नहीं है, हमारी खूबी है, ये तो तमाम किस्म की खूबी है कि मैं अपने इस हाथ से गरीब का गरीबान चाक चाक और टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ और इसके बावजूद मैं उसे चाक ना करूँ और उसको सीऊं, मैं उसके जख्मों पे नमक छिड़क सकता हूँ और उसके बावजूद नमक न छिड़कूँ, मरहम बट्टी करूँ, उसे दिलासा दूँ, उसे हौसला दूँ, उसे प्यार दूँ, उसके दुख दर्द बांटूं और उसके मुश्किलात के अंदर मैं सारा कुछ उसके साथ शेयर करूं, ये वो चीज थी जो इस पूरी कायनात में किसी भी चीज के अंदर नहीं पाई जा रही थी। इनके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, दूसरे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं। और एक दूसरी वजह ये भी थी कि इस पूरी कायनात की कोई मजबूरी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज नहीं थे, ना ही उन्हें जॉब पे जाना है, ना इनके बीवी बच्चे हैं, ना फरिश्तों की शादियां हैं,
ना उन्होंने खाना पीना है, ना उन्होंने दुकान खोलनी है, ना उन्होंने जॉब करनी है, ना उन्होंने थकना हारना है। क्यों कहें कि हम सारे दिन के थके हुए थे और इसके बावजूद हमने फिलहाल कोर्स अटेंड किया। मेरे भाइयों, शायद आप अपनी जिंदगी की इस रोशन पहलू को नहीं देख सके कि जिसको जिन चीजों को आप बहाने बनाते हैं उन्हीं चीजों के अंदर तो आपकी अजमत छुपी हुई है। जिन चीजों को हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं और माजरत के लिए पेश करते हैं कि हम ये फहमे कुरान का काम इसलिए नहीं कर सकते कि हम जॉब करते हैं, हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे घर की प्रॉब्लम्स हैं, हम इसलिए नहीं कर सकते कि मसरूफियत बहुत है। ये ही वो अजमत है। अगर आपकी मसरूफियत होती ही ना तो आप तो रिश्तों के साथ होते, या सूरज के साथ होते, या दरख्तों के साथ होते, या कायनात की किसी और चीज का हिस्सा होते। अल्लाह आपको इंसान बनाता ही ना, परफेक्शन का और कमाल का यही तो पहलू आपके अंदर पाया जाता है। एक अजीब किस्म के आपके अंदर अजमत का यही पहलू तो पाया जाता है कि हजारों मजबूरियां हों और लाखों प्रॉब्लम्स और इश्यूज हों और इसके बावजूद अल्लाहु अकबर की जब आवाज सुने तो इंसान सजदे के अंदर पड़ जाए, तो अल्लाह की कसम इंसान का ये एक सजदा सूरज चांद फरिश्ते और सारी कायनात के सारी जिंदगी के सजदों से अल्लाह को ज्यादा प्यारा है। ये है वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम रिज़्क वमा उरीदु अन युतअइमून। ये अपनी जुबान से गंदे और गलीज किस्म के बोल बोल सकता हुआ, ये एक्टिंग करता हुआ, कोई फिल्मी गाना बोल सकता हुआ और इसके बावजूद ना बोले, कुरान की कोई आयत ही बोले, ये कोई गलीज गाली बक सकता हुआ और किसी को ऐसी बात करके उसके दिल को जख्मी कर सकता हो कि जो जख्म कभी नहीं भरा करता है, और इसके बावजूद ये अपनी जुबान को कंट्रोल करके सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल से एक दफा भी कहता है तो वो तराजू जिसके पलड़े में सातों आसमान और सातों जमीनें रखी जा सकती हैं, नेकियों को तोलने वाला वो तराजू इंसान की एक सुभानअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से भर जाता है। रिश्ते सारी जिंदगी सुभानअल्लाह कहते हैं, जन्नत में दरख्त उनके लिए भी लगते हैं, ये हमारे लिए ही लगते हैं। हम अपनी आजाद मर्जी से कहते हैं ना, हम सोच के कहते हैं, हम अपनी जुबान से दुनिया जहान का गंद बोल सकते हैं और फिर उसको कंट्रोल करके फिर भी हम अल्लाह की अजमत और उसकी तस्बीह और उसकी शान के जब तराने गाते हैं तो हम अल्लाह को इतने प्यारे लगते हैं कि हम जब सजदा करते हैं तो हम सजदा नहीं करते, हम तो गोया अल्लाह के पास पहुंचे होते, अल्लाह के बिल्कुल करीब होते हैं, वो हमारी मेराज होती है। बस जुद वक्त करीब, सजदा करो मेरे करीब आओ, करीब आ जाओ मेरे पास आ जाओ, जितना चाहो मेरे नजदीक होते जाओ। ये मोहब्बतों के अंदाज, ये सोजो उदास दिल की ये धड़कने, इंसान के अंदर गुनाह करने की ये सलाहियत, और खुसूसन आज के दौर में हर चौक और चौराहे पे बुराइयों की दावत, और इसके बावजूद इंसान एक बैनर पड़े कुरान बुलाता है, कुरान बुलाता है। ना उसके दिल में कोई दुनियावी ख्वाहिश, ना उसके दिल में कोई लालच, और वो खुलूस थे, किसी मस्जिद में चला आया, किसी मरकज में चला आया, किसी दारुल फलाह में चला आए, किसी फहमे कुरान सेंटर में चला आए, तो उसका ये आना और उसकी ये कुर्बानी इतनी प्यारी लगती है कि फिर कुरान जिंदगी में भी कब्र में भी और अल्लाह के सामने अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह इसको तो जरूर माफ कर दे, इसको तो जरूर माफ कर दे। चौकों चौराहों पर सारे ही बैनर उसकी नजर से गुजरे और इसने इस पर फोकस किया। मेरे भाइयों, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, शैस्ता वादा लेते रहते होंगे और जाहिर है एक तो ज्यादा हक भी पहुंचता है कि आपके पीछे हैं, आपके शहर हैं, लेकिन मैं इसलिए वादा लेना चाहता हूँ ताकि इसमें मेरा हिस्सा बन जाए और शायद अल्लाह ताला मेरी इस नेकी को कबूल करे।
आप वादा करें कि आइंदा जब दोस्त हो तो मैं वो वादा नहीं लेता जो आप वफा न कर सकें, उतना वादा लूंगा जिसे आप वफा कर सकें कि कम से कम अपने मोहल्ले या अपने कोलीग्स या अपने दोस्त या अपने फैमिली मेंबर्स जिसको भी आप जानते हैं, कम से कम दो अफराद को तो आप जरूर कहेंगे कि आपने फैन कुरान को शिक्र कर लिया। ये वादा कर सकते वादा होंगे इंशाल्लाह। बस आपका तो वादा भी अल्लाह को बड़ा प्यार है, वादा भी बहुत प्यार है। सोच लिया मैं ये काम करता हूँ, सोच लिया फरिश्ते सारी जिंदगी कर रहे हैं और उनके लिए एक खास सवाब का वादा इस माना में नहीं है कि उनको जन्नत में भेजा जाए या इस तरह का कोई काम है, लेकिन हम एक दफा सोच भी नहीं के लिए नहीं करनी है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि इसके नामे अमाल में लिख दो कि इसने एक पूरी नेकी कर ली है, एक पूरी नेकी कर ली है, इसने अपनी आजाद मर्जी से सोचा है। और सोचना पॉजिटिव अच्छी सोच नेकी की सोच ये सबसे पहला कदम होता है चेंज का और इंकलाब का। अल्लाह की सेवा है कि मेरी हाजिरी पर आपकी खुशी पाड़ी और मेरे मुहतरम भाइयों शुयूख की मुंतज़िमीन की मालिनीन की मुदर्रिसीन की जिस जिसने जैसे जैसे इसके अंदर हिस्सा डाला है अल्लाह खास अपने फजल करम से इसे कबूल और महफूज़ फरमाए। वा आख़िर दुआना अन्निल हम्दुलिल्लाह।